नमस्कार, आप नेशन न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। देखिए, इस वक्त हम झाझा थाना में मौजूद है और आपको बता दें कि लक्ष्मीपुर थाना के सीमावर्ती क्षेत्र से, जो कि झाझा थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, जोपादा के पास एक पेट्रोल पंप कर्मी से लगभग 40 से 50 हजार रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था अपराधियों के द्वारा और 3 लोगों के शामिल होने की बात बताई जा रही थी। हालांकि इस मामले में सफल उद्भेदन करते हुए जमुई SP डॉक्टर सौरव सुमन के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया। टीम का नेतृत्व झाझा SDPO राजेश कुमार कर रहे थे। वहीं इस टीम में झाझा थानाध्यक्ष राजेश शरण, SI सुबोध कुमार यादव, SI जिन्नत कुमार, SI धर्मेंद्र कुमार राय, SI कुंज बिहारी और तमाम पुलिस बल मौजूद रहे। तकनीकी अनुसंधान के जरिए तमाम मामले जो है इसका पूरी तरह से उद्भेदन किया गया और इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बेलहर थाना के दोनों निवासी हैं जो अपराधी हैं और इस मामले में पुलिस को एक और अपराधी के शामिल होने की खबर है। इसको लेकर लगातार SDPO राजेश कुमार ने कहा कि छापेमारी की जा रही है और बता दें कि सबसे बड़ी बात कि 40 से 50 हजार रुपए जो है पेट्रोल पंप कर्मी के द्वारा आवेदन में दिया गया था, लेकिन पुलिस को सूत्रों के हवाले से पता चला है कि लगभग 32 हजार रुपए की उससे छिनताई की गई थी और 32 हजार रुपए की रिकवरी पुलिस ने कर ली। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर SDPO राजेश कुमार ने क्या कुछ जानकारियां दी। देखिए, दिनांक 16/8/23 को झाझा थाना अंतर्गत लक्ष्मीपुर थाना के सीमावर्ती क्षेत्र झोपादा में जिन्हारा पेट्रोल पंप कर्मी के साथ 40 हजार रुपए नकद एवं 2 मोबाइल फोन लूट की घटना हुई थी, जिस संबंध में पेट्रोल पंप कर्मी अशोक मंडल के लिखित आवेदन के आधार पर कांड दर्ज किया गया था और कांड के उद्भेदन एवं त्वरित कार्रवाई हेतु अपराध कर्मी की गिरफ्तार हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया था। गठित टीम द्वारा मॉनिटरिंग किया गया और इसी क्रम में आसूचना, परिस्थिति जन साक्ष्य एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर कांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया गया है। शामिल टीम द्वारा 27/8/23 को बांका जिला के बेलहर थाना क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग 2 स्थानों, ग्राम सरदारा एवं सरकांडा से गिरफ्तारी की गई है एवं गिरफ्तार अपराध कर्मी की निशानदेही पर घटना में लूटे गए नगद 32 हजार रुपये एवं कांड में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा 2 मोबाइल फोन को बरामद कर लिया गया है। कांड में शामिल एक और अन्य अपराध कर्मी की भी पहचान सुनिश्चित कर ली गई है, जिनकी गिरफ्तारी हेतु गठित टीम द्वारा निरंतर छापेमारी की जा रही है। नहीं, हत्या करनी बरामद। देखिए, जो आवेदन आया है उसमें तो 4 लोग का नाम आया है। सर, ये अपराधी गिरफ्तारी कितनी हुई है? 2 की गिरफ्तारी हुई है। सर, ये अपराधी जो थे पिछले भी कांड किए हुए हैं? नहीं, इनका कोई अभी आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है। सर, जो कंप्लेनेंट है पेट्रोल पंप द्वारा कभी 40 हजार, कभी 50 हजार कहा जा रहा था, इसमें क्या सच्चाई प्रशासन को अभी तक नहीं? नहीं, देखिए, उनके द्वारा जो पहले आवेदन दिया गया है उसमें तो जैसे उन्होंने लिखा था 40 से 50 हजार के बीच में हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे अनुसंधान होगा तो पता चलेगा कितना है एग्जैक्टली। क्या नाम वो तो बता दिया गया। ये घटना झाझा इलाके में हुई थी या लक्ष्मीपुर? नहीं, ये देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ना, झाझा थाना अंतर्गत लक्ष्मीपुर थाना के सीमावर्ती क्षेत्र में हुई थी।